कि यहाँ पे हम लोग उस दिन सुबह आए थे, काफी क्राउड यहाँ पे WWE का टेंडर चालू है। तो कुछ नजारा इधर भी देख लीजिए सामने, यहाँ पे शराब काफी सस्ता है, हर बीच पे ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक बिकता है, लेकिन यहाँ पे शराब बिकता है। 2022 ऑलरेडी जा चुका है, सो 2023 न्यू जर्नी आज से स्टार्ट हो रहा है। सो हे गाइस, दिस इज दुर्गेश यादव, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग होने वाला है देवका बीच के, इधर हम लोग आए हैं। तो आज आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे बीच काफ़ी फेमस है दमन के, इधर काफ़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सो आपको दिखाता हूँ, कहीं जाइएगा नहीं, और सब्सक्राइब तो करना बनता है आपको। और न्यू ईयर का फर्स्ट ब्लॉग है न्यू ईयर का, तो हैप्पी न्यू ईयर अगेन। तो ये कल जो गए थे जमपुर, वहाँ पे भी यही पानी एकदम पीछे चला गया था, सो यहाँ पे भी वाटर लेवल एकदम पीछे जा चुका है। सो जमपुर बोलते हैं मिनी गोवा, वहाँ पे काफ़ी गोवा वाली वाइब आती है। और इधर देखिए, ये सब होटल्स वगैरह हैं, यहाँ पे होटल्स काफ़ी चीप हैं और काफ़ी अच्छा प्राइस में आपको मिल जाएंगे। एंड सामने ये देखिए, इज नोन एज गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं फोर्ड के इधर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हो गया अभी घूम के, हो गया अभी आगे जा रहे हैं, स्कूटी है, कजिन साथ में है तो उनके साथ आया घूमने, तो अभी चलते हैं, अभी बैठ के अभी फोर्ड के इधर निकलते हैं। और अभी हम लोग का प्लान चेंज हो गया, फोर्ड के इधर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट अभी जाएंगे जेटी बीच के इधर, क्योंकि फोर्ड के इधर अभी हम नहीं जा रहे हैं, पहले जेटी बीच के इधर जाएंगे घूमेंगे, उसके बाद फोर्ड के इधर टाइम बचा तो जाएंगे। इतना ज़्यादा क्राउड है कि हम लोग स्कूटी पे हैं, स्कूटी निकालने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है। सो देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, और क्राउड होने का रीज़न ये है, आज है 1 जनवरी 2023, साल का नया दिन है, तो आज सभी अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। ये जेटी बीच है, और ये यहाँ का क्राउड मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मेला में आया हूँ। एंड सबसे क्राउड बीच यही है, अभी आज संडे है, हॉलीडे भी है सबका। एंड यहाँ पे बियर एंड ऑल जो भी रहते हैं अल्कोहल पूरा, मतलब काफ़ी सस्ता मिलता है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखोगे तो सब अपने मेटल ले रहते हैं, यहाँ पे अलाउ है, गवर्नमेंट कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, तो अभी किसी के रूल में उतना नहीं आया। सो यहाँ पे जो भाई ड्रंकर है आ सकते हैं यहाँ पे, उनके लिए काफ़ी इंजॉयमेंट के लिए रहेगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बीच नहीं है, ये यहाँ पे हम लोग उस दिन सुबह आए थे, काफ़ी क्राउड कम था। एंड अभी देख सकते हैं रास्ते किधर जाएंगे, तो रास्ते पे जगह नहीं है जाने के लिए, और आपको मैं काफ़ी सारे नमूने देखने मिल जाएंगे यहाँ पे, पी के एकदम टल्ली रहेंगे, मैं दिखाया नहीं, रास्ते पे तो ऐसे ही गटर के अंदर गिर जा रहे थे, घूम जा रहे थे, उनको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, क्योंकि पीने बाद पता ही नहीं चल रहा है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, जो पानी एकदम खत्म हुआ है, एकदम छोड़ के इधर जाएंगे, पूरा एकदम आगे तक जाएंगे। एंड तो चलिए देखते हैं उधर, पूरा पानी एक दो दिन पहले पूरा पानी था, लेकिन अभी पूरा सूख गया है, पूरा पीछे जा चुका है, पानी दिख ही नहीं रहा मेरे को, मुझे तो पानी दिख ही नहीं रहे, एकदम उधर साइड पे है। तो ये सामने देखिए, मैंने बोला था काफी नमूने देखने मिल जाएंगे, उनमें से ये एक सामने है, भाई साहब को देखिए अपने दुनिया में मगन। तो पीछे आप देख सकते हैं नजारा क्या ही है, सीन बना के सोए हैं, भी सारे चीज़ें देखने मिलेंगे अभी, अभी तो एक बहुत सारे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे इतने लोग हैं कि पता नहीं चलता है कौन पी के बैठा है कौन नहीं बैठा है। तो यहाँ पे बियर अल्कोहल बहुत आम बात है, तो ये देखिए पानी के जगह पे बीच के बाजू में बियर का बाटली बिक रहा है। हेलो, ये देखो अभी एक बंदा है वो भागकर आगे गया, उसको पीछे करते हुए ये पुलिस आया, लग रहा है एक दो डंडा पड़ने वाला है उसको, तो देखते हैं अभी। मारा तो अभी एकदम होश ठिकाने आ गया, क्या मारा, लेकिन ऐसे लोग को मारना चाहिए।
नहीं उन लोगों को नहीं बोल रहा है, ये घुमघुम पी रहा था ना, ये बियर का बोतल देखो यहाँ पे फेंका है, ये बोतल अभी बियर का बोतल फेंका, उसमें भी अभी बियर है। अब कुछ नज़ारा इधर भी देख लीजिए सामने, ये लोग भी दो फ्रेंड ऐसे ही हैं, पूरे टल्ली में है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, जिनको पता है वो पीने के लिए आते हैं, क्योंकि पाँच सौ में यहाँ पे जो चीज़ वहाँ पे 1000-2000 में वो कोटा होगा, यहाँ पे 500 के अंदर कोटा फुल हो जाएगा। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मारा रहेगा तो फंस गया। हम लोग कितना दूर आ गए, हम लोग वहाँ पे थे, छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं ना वहाँ पे थे, और वहाँ से अभी इधर आ गए, एकदम पानी पीछे जा चुका है, तो हम लोग इधर पे आए थे, थोड़ा इधर फोटो वोटो देखेंगे और थोड़ा पानी का पैर वगैरह धोलूंगा मैं, पूरा गंदा हो चुका है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए, देखिए एकदम पानी के इधर, कितना दूर था, ऑलमोस्ट हम लोग 15 मिनट चल के आए इधर आ गए, बहुत पीछे पानी जा चुका है, तो नज़ारा तो काफ़ी सारे देखने मिला रहेगा तो समझ सकते हो। तो सीरियसली बोलूँ यहाँ पे हर चीज़ खाने पीने वाला भी चीज़ काफ़ी चीप है, तो एक तरह से पिकनिक मनाने अगर जो इतना भी ड्रिंक मत करो कि अपने आप को नहीं संभाल पाओ, और मैं हम लोग तो आज तक कभी ड्रिंक किए नहीं, ना एक करने का मूड है, ये सब बहुत फालतू चीज़ें हैं। तो मैं एक घूमने आया था एंड पता यहाँ पे आने बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे शराब काफ़ी सस्ता है और सब पी के टल्ले है, और यहाँ पे ये है कि एक जगह बैठ के पियो, पुलिस के सामने भी पियोगे तो नहीं बोलेगा, लेकिन घूम घूम के पियोगे तो वो डंडा देगा ना कैसे पड़ा, वैसे पड़ेगा। तो चलते हैं गाइस अभी, सो अभी चलते फोर्ट के इधर चलते हैं, तो अभी काफ़ी दूर आ गया, अभी फिर चल के जाना पड़ेगा, स्कूटी लेना पड़ेगा एंड क्या है मतलब फिर चलना पड़ेगा अभी। तो अभी अभी अपने को यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इसके पार, सो अभी जितने क्लाउड दिख रहे हैं ना उसके इधर अभी जाना है, और कितना दूर है अभी देखो, मैं अभी इसको 1x कर रहा हूँ, तो इतना 1x पे ये है, दिख ही नहीं रहा कोई, अभी ये देखिए यहाँ पे सिनेमा चालू है। यहाँ पे WWE का ट्रेलर चालू है। तो काफ़ी देर से हम कुछ खाए नहीं, चलिए कुछ खाते हैं, इधर फास्ट फूड ही मिलेगा, तो ये सामने मोमोज का स्टॉल है, तो चलिए मोमोज लेते हैं, पर प्लेट है कुछ, चिकन मोमोज का प्राइस है 90 रुपीज़। सर बहुत ज़्यादा गर्म है, काफ़ी घूमने के बाद अब पेट पूजा हो रहा है, और यहाँ पे ब्लॉग में एंड करूँगा क्योंकि हो गया, अब हम निकलने वाले हैं।